अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा ये जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो जी जनाब, इसका जो सबसे मेन इन्ग्रीडियंट्स है वो है कॉफ़ी, जो कि सबसे पहले जो है हम 1 टेबल स्पून जो है हम भर कर लेंगे। मेरी जो रेमेडीज़ है, मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो है पहले मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर अप्लाई करूँ, उसके बेनिफिट्स देखूँ, फिर ये कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने यूज़ की है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को मेरी रेमेडी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आप लोगों को मेरी रेमेडी पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए जनाब, ये मैंने पूरी भर के 1 टेबल स्पून जो है कॉफ़ी ली है, जो कि मुझे भर के लेनी है। इसके अलावा मैं इसमें जो यूज़ करूँगी वो है एलोवेरा जेल, जो कि आपको जो आप लोगों के घर में फ्रेश जो होता है एलोवेरा जेल, वो आपको यूज़ नहीं करना है, जो मार्केट वाला होता है हम इसमें वो यूज़ करेंगे। और जो है ये मैंने एलोवेरा जेल लिया था, जो कि गिर चुका है इसके अंदर, और वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये आपको स्मॉल क्वान्टिटी में लेना है थोड़ा सा, मतलब तो ये आपको इसके साथ मिक्स कर लेना है। इसके अलावा जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी। अगर आप हनी जो है बहुत कम लोगों को सूट करता है, अगर आप लोगों को सूट करता है तो आप लोग ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। मेरे को फेस पे सूट करता है तो मैं इसमें यूज़ करूँगी, तो आप लोग जिसके फेस पे सूट करता है वो इसमें ऐड करें, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं और ये हमारी स्किन जो है काफ़ी हद तक टाइट करता है। जो भी हमारी स्किन में जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो कमी बेशी होती है इंसान की स्किन के अंदर, वो भी जो है अच्छी करता है। तो ये है, मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर हनी लिया है और वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको भी हम मिक्स करेंगे, ये थोड़ा लिक्विड ही हो जाएगा। और आप लोगों ने ऐसी कोई रफ सा सूट पहन के इसको यूज़ करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का लिक्विड है तो ये थोड़ा सा आपके कपड़े जो है रफ कर दे, ख़राब कर दे, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि आप ईवियन भी ले सकते हैं और जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है मैं इसमें विटामिन ई ऑयल डाल रही हूँ, आप लोग जो है ईवियन कैप्सूल भी ले सकते हैं, और वो मैंने इसको मिक्स कर दिया है। ये फेस पैक ऐसा है कि अगर आप लोगों को कहीं जाना है इमीडिएटली और जो है आपके पास कोई मतलब आपका फैशन नहीं हुआ हुआ, कुछ नहीं हुआ हुआ, तो आपके घर में ये सारी होम रेमेडी है, मतलब ये सब चीज़ें आपके घर में तकरीबन अवेलेबल ही होंगी, और आप आराम से ये फेस पैक बना के और अपने फेस पे अप्लाई करके आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इससे जो है आपकी स्किन जो है काफ़ी जो है ज़्यादा डल हो जाती है, तो रफ सी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये आपके स्किन को काफ़ी हद तक जो है ठीक करेगा। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, और मेरी रेमेडीज़ अगर आपको पसंद है तो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ जो है कैसी लग रही हैं। और ये मैं आपको अब जो है ये सब चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं ये सब चीज़ें आपको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। जो है आपको 10 से 15 मिनट के लिए लगा के अपने फेस पर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और अब जो है मैंने जो मास्क बनाया है इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, ये आप लोग देख सकते हैं, इसको मिक्स करके मैंने ब्रश के साथ, और अब जो है मैंने अपने फेस पे इसको अप्लाई किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि आप जो है ज़रूरी नहीं है आप इसको फेस पर अप्लाई करें, आप इसको अपने हैंड फीट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके क्लीन होंगे और साफ़ होंगे, ग्लो करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे मतलब बॉडी का एक हिस्सा है कि हम फेस के साथ जो है हम अपने हाथ पैरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो है मैं इसको जो है अपने मतलब हैंड्स पे भी आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको अप्लाई किया है, और आप इसी तरीके से अपने फीट वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जो है मैं सबसे पहले जो है इसको इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, इसके बाद जो है मैं आपको अपना हैंड वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने अपना हैंड पहले वॉश किए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, और अपना फेस जो है मैंने इस वजह से वॉश नहीं किया है क्योंकि जो है मैं आपके सामने ही अपने फेस को क्लीन कर सकूँ। तो जो है आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट आपके सामने है। ये जो है मैंने इसमें एक बाउल में रोज़ वाटर और कॉटन पैड डाल के रखी हुई थी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे जो है अपने फेस को रिमूव कर सकते हैं, टिश्यू पेपर हो, वाइप्स हो, कॉटन पैड हो, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे आप अपने फेस को रिमूव कर लें। तो मेरे पास ये अवेलेबल थे, तो जो है मैं इसी तरीके से आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ कि देखें आप मेरा फेस के कितनी ग्लो आई है इसके ऊपर। और अगर आप इसको कंटिन्यू हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका फेस जो है
आप लोग खुद देखेंगे कि आपके फेस में कितनी चेंजिंग है और आपका फेस कितना ग्लो करता है। तो और जो है आप अपने चेहरे को जो है मॉइस्चराइज करके रखें, क्योंकि हमारी स्किन में जो प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो ड्राइनेस की वजह से ही होती है। तो अपने फेस को जो है ड्राई ना होने दें, और आप देख सकते हैं कि मेरा फेस जो है कितना अच्छा लग रहा है। और तो सिस्टर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेमेडीज़ आपको बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी रेमेडीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि जो है मैं अपनी जो बेहतरी की तरफ आऊँ, अपनी रेसिपीज़ जो है उनको मुझे पता चले कि आप लोग मुझसे क्या सीखना चाहते हैं और क्या रेमेडीज़ की आपको ज़रूरत है, तो वो मैं आपको बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जी जनाब, मिलते हैं हम अपने न्यू रेसिपी के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।